अभ्यास की निरंतरता, अपर वैराग्य और पर वैराग्य की चर्चा हुई थी। आज संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, इन दोनों पर दो सूत्रों में चर्चा होगी। वैसे कई बार मैं कहा हूं, किसी भी आलंबन में मन को ठहराना संप्रज्ञात समाधि, और किसी आलंबन को न लेना, चित्त निरुद्ध कर देना, असंप्रज्ञात समाधि। और उसमें बहुत भेद प्रभेद के चक्कर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन शास्त्रकार भेद प्रभेद बहुत करते हैं और उनका भी एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन सहज रूप में समझना चाहिए, किसी भी आलंबन में, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, किसी आधार में मन को ठहराना संप्रज्ञात समाधि। और कोई आलंबन चित्त को निरुद्ध करना और निरुद्ध हो जाए, यह असंप्रज्ञात है। उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को धर्ममेघ समाधि कहते हैं, क्योंकि अंतिम में आलंबन ही बीज है। कोई अगर हम सहारा लेते हैं तो वही एक बीज है, कोई सहारा न रह जाना निर्बीज समाधि, कोई उद्देश्य न रह जाना, केवल अपने आप शेष, ये असंप्रज्ञात है। तो संप्रज्ञात अच्छी तरह से जाना हुआ, जब हम किसी जैसे चित्र में ध्यान करते हैं, बंद आंखों के अंधकार या प्रकाश में ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान करते हैं, बिंदु पर ध्यान करते हैं, नाद पर ध्यान करते हैं, तो ये संप्रज्ञात है, भ्रम रहित उसका ज्ञान रहता है, संशय नहीं, दुविधा नहीं, भ्रम नहीं। जिस आलंबन को मैंने लिया, उस आलंबन को हम अच्छी तरह जानते हैं, उसमें ध्यान करते हैं, ये संप्रज्ञात है। कोई आलंबन नहीं लेते हैं, अपने आप शांत, ये संप्रज्ञात है, निर्बीज है। संप्रज्ञात समाधि के चार रूप ऋषि 17वें सूत्र में बताते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चार श्रेणियों से अनुगमात चलते चलते संप्रज्ञात समाधि होती है। वितर्क, पहले इसके मूल में यह समझ लेना चाहिए कि पतंजलि महाराज ने अपनी शैली में यह बताया है, ग्रहीत्र, ग्राह्य और ग्रहण, संप्रज्ञात समाधि के आलंबन ये तीन होते हैं, ग्रहीत्र, ग्राह्य और ग्रहण। ग्रहीत्र का हम सरल अर्थ शब्द लें तो ग्रहीता, ग्रहीता बुद्धि युक्त चेतन है, और ग्राह्य अस्थूल जड़तत्व, पांच विषय, कारण कार्य, जड़ पसारा है, और ग्रहण इंद्रिय, मन सहित इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और मन, ये ग्यारहों ग्रहण है। इन्हीं से हम विषयों को ग्रहण करते हैं, चीजों को ग्रहण करते हैं, इसलिए मन सहित इंद्रियां ग्रहण है, और बुद्धिपूर्वक चेतन ग्रहीता है, और पांच तत्व, पांच विषय, ये ग्राह्य है, इनमें ध्यान करना संप्रज्ञात है। जैसे ग्राह्य मिट्टी, पानी, आग, हवा,
पेड़ पहाड़ जो भी हो, गुरु का चित्र, संत का चित्र, ज्योति नाद बिंदु, ये सब ग्राह हैं, सब विषय हैं, ग्रहण होते हैं। इनमें कहीं ध्यान करना, ग्राह में ध्यान करना है। ग्रहण इंद्रियां हैं, मन सहित इंद्रियां ग्रहण है, ये ग्रहण करते हैं। इनमें ध्यान करना, इनका ध्यान क्या होगा? संयम, संयम करना इनका। और ग्रहिता चेतन पुरुष है, लेकिन बुद्धि पूर्वक ही ध्यान होता है, चित्त पूर्वक, मन पूर्वक। अगर मन से मैं सोचता हूं मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, तो एक ग्रहीत्र विषय, यानी ग्रहिता विषय, जो ग्रहण करने वाला चेतन पुरुष है बुद्धि पूर्वक, ये आत्मा का अनुसंधान करता है। ये भी संप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात नहीं है। ये तीन आलंबन होते हैं, ग्राह, ग्रहण और ग्रहिता, वितर्क, संप्रज्ञात, समाधि। अस्थूल पदार्थों में ध्यान करना वितर्क, संप्रज्ञात, समाधि। चित्र में या कोई भौतिक स्थूल पदार्थ में ध्यान करना, ये वितर्क, संप्रज्ञात, समाधि है। और सूक्ष्म विषय में, जैसे ज्योति में, नाद में, बिंदु में ध्यान करना, ये विचार या सविचार, संप्रज्ञात, समाधि। मन इंद्रियों का संयम करना, ये आनंद, संप्रज्ञात, समाधि। मन इंद्रियों के संयम से आनंद होता, शांति होती, तृप्ति होती। और अस्मिता, अस्मिता का अर्थ होता अहंकार, लेकिन ये साधन के संबंध में कुछ लोग कहते नहीं, अस्मिता या अहंकार नहीं, किंतु मैंने इसी के भाष्य में लिखा है, योग दर्शन की दृष्टि से और संस्कृत कोश की दृष्टि से अस्मिता अहंकार ही है। इसलिए कुछ और क्लिष्ट कल्पना करने की इसमें आवश्यकता नहीं, अस्मिता अहंकार। अभी अहंकार कल्याणकारी है, मैं शुद्ध चेतन हूं, ये बुद्धिपूर्वक ही तो सोचा जाता है, तो यह अहंकार है, लेकिन ये कल्याणकारी है, ये मोह को छुड़ाने वाला है। असंप्रज्ञात में ये नहीं सोचा जाता है, मैं शुद्ध चेतन हूं, सोचा ही नहीं जाता है, सोचना ही बंद, वो असंप्रज्ञात है, निर्वीज है, ये सब विवेक पूर्वक है। तो सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मिता, अनुगमात, इनके अनुगमन से, इस क्रम से चलते चलते संप्रज्ञात समाधि होती है। इसको सरल ढंग से ये समझें कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते, स्थूल आलंबन लिए, सूक्ष्म आलंबन लिए, सूक्ष्मतम आलंबन लिए, ये सब आलंबन संप्रज्ञात समाधि। गुरु का चित्र, संत का चित्र लेकर के मन ध्यान करते हैं, स्थूल है। दीवार में एक बिंदु बना लिए गोला गोला, उसी में त्राटक करते हैं। कोई कोई तो त्राटक इतना करते करवाते उसे परेशान हो जाते, दिमाग खराब कर लेते, तो वो सही दिशा नहीं रहती, किसी से सुन लिए, अब त्राटक करते करते आंख खराब कर लिए, सिर खराब कर लिए, मस्तिष्क खराब कर लिए, तो बिना समझ के योग साधना भी दुखदाई, और हठ योग तो बिल्कुल दुखदाई। सरल साधना, सदगुरु कबीर ने सरल साधना पर जोर दिया है,
और पतंजल महाराज ने भी सरल साधना पर ही जोर दिया। कबीर का योग और पतंजल का योग राज योग है, हठ योग नहीं। पतंजल महाराज ने दूसरे सूत्र में ही बता दिया योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। नेति धोती कपाली कुंजलिक झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नामे नहीं लिया उन्होंने, न ये कहा कि नहीं खाना चाहिए, 10 दिन उपवास रहते रहना चाहिए, नंगे रहना चाहिए, सब कुछ नहीं कहा। संयम कहा, उस संयम में सब आ जाता है। तो राजमार्ग पतंजल महाराज का और कबीर साहब का राजमार्ग है, यो हट मार्ग नहीं है। राजमार्ग उसे कहते हैं जो एकदम चौड़ा प्रशस्त हो, यह राजमार्ग है। सहज खाते पीते संयम से रहते, मन को रोको, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, खाओ ज्यादा न खाओ, बहुत कम न खाओ, कभी कभी उपवास रहो लेकिन कई दिन उपवास न रहो। अगर कोई बहुत ही सावधानी से खाता है उपवास की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीच में उपवास रहना अच्छा है, एक टाइम का उपवास, पूरे दिन का उपवास, लेकिन 2 दिन का उपवास विशेष कारण होने पर किसी प्राकृतिक चिकित्सक के आधार में ही 1 से अधिक दिन उपवास होना चाहिए। 1 दिन का उपवास कोई कहीं भी कर सकता है। सभी तर्क सविचार सानंद सास्मिता इस क्रम से संप्रज्ञात समाधि फलित होती है। स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र करना सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, सूक्ष्म आलंबन में मन को एकाग्र करना सविचार संप्रज्ञात समाधि, और इंद्री मन पर संयम करना, उसी पर विशेष ध्यान देना, कहीं कोई इंद्री चंचल तो नहीं है, मन कहीं इधर उधर तो नहीं जाता, ये सानंद संप्रज्ञात समाधि। और चित्त पूर्वक चेतन का निस्वरूप का स्मरण, चित्त चेतन के संयोग से अस्मिता होती है। चित्त पूर्वक चेतन ये सोचता है मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, वो कहने की जरूरत नहीं कि चित्त पूर्वक सोचता, सोचता तो चित्त तो होता ही है। तो अपने स्वरूप का अनुस्मरण अस्मिता संप्रज्ञात समाधि अनुगमात, इस अनुगमन में स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते बढ़ते संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है, ये इनका क्रम है। आनंद सानंद का की क्या परिभाषा है किसी भाष्यकार ने कुछ भी नहीं कहा, बस खाली अनुवाद कर दिया। सास्मिता के लिए भी करीब करीब ऐसे ही है, कई जगह भाष्यकार एकदम अपना पिंड छुड़ा लिए, लेकिन बहुत उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, आलंबन और निरालंब, सहारा में मन को ठहराना संप्रज्ञात समाधि, कुछ सहारा न लेना, चित्त को ही शांत कर देना असंप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात को तो उन्होंने दूसरे सूत्र में कह दिया योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध असंप्रज्ञात ही है। चित्त की वृत्ति शून्य हो गई तो असंप्रज्ञात हो गया और कैवल्य हो गया, पूरा पूरा दूसरे सूत्र में ही पूरी व्यवस्था ऋषि ने दे दी है। और वही लक्ष्य है, कुछ न रह जाना, शेष अपने आप रह जाना, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए संप्रज्ञात की जरूरत है, आलंबन की जरूरत, सहारा की जरूरत है, निराधार आधार ले जानी। साहब ने कहा निराधार को आधार से ही जान सकते हो,
निराधार में ठहराव आधार से ही संभव है, तो आलंबन ठीक है, संप्रज्ञात पहले ठीक है, संप्रज्ञात में प्रवेश करके या संप्रज्ञात में पहुंचा ही जा सकता है। इसलिए साधक को जो साधना, जो आलंबन प्रिय हो, उस आलंबन को लेकर के मन ठहराना चाहिए, वही संप्रज्ञात समाधि है। और जब चित्त निरुद्ध हो जाए, असंप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात के लिए ऋषि आगे कहते हैं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम, विराम का मतलब है निरुद्ध, विराम रुक जाना, चित्त रुक गया, वृत्तियां रुक गई, ये विराम हो गया। इसका प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कहते हैं यहां, प्रत्यय का यहां अर्थ है कारण। प्रत्यय का अर्थ समझ, बुद्धि, विचार बहुत होते हैं, यहां अर्थ है कारण। विराम का प्रत्यय क्या है? विराम का प्रत्यय है अभ्यास पूर्व, जो इस असंप्रज्ञात समाधि के पहले, पूर्व यानी पहले अभ्यास है परवैराग का, वही विराम का प्रत्यय, वही विराम का कारण है। विराम रुक जाना, असंप्रज्ञात में पहुंच जाना, विराम रुक जाना, असंप्रज्ञात में पहुंच जाना, चित्त शून्य हो जाना, ये विराम है। और इसका प्रत्यय कारण क्या है? परवैराग, अभ्यास पूर्व है। इस असंप्रज्ञात समाधि के पूर्व का अभ्यास है परवैराग। परवैराग क्या है? कल बताया गया था, अनेक बार बताया गया है, जब सूक्ष्म अहंता ममता भी न रह जाए। अपर वैराग्य, भाष्यकारों ने अपर वैराग्य के पहले भी कई वैराग की चर्चा की है, उसको मैंने नहीं रखा। अपर श्रेष्ठतर तो निम्नतर भी हो तो होता है, परंतु वो सब उलझन की बात नहीं रखी। देखे सुने के प्रति वितृष्णा, जो देखते हो सुनते हो उसके प्रति पूर्ण उदासीनता, अपर वैराग, श्रेष्ठतर वैराग। और सूक्ष्म अहंकार ममकार का भी विसर्जन पर वैराग, पर ये उच्चतम है, अपर उच्चतर है, और पर उच्चतम है। गुणों के प्रति वितृष्णा योग दर्शन की भाषा में है, लेकिन ये कह देने से साधारण लोग नहीं समझेंगे, गुण सद्गुण मान लेंगे, और गुण का उनका अर्थ है ये प्रकृति गुणात्मक है, गुण सूक्ष्म है, वो समझना भी कठिन, और उसके लिए वितृष्णा क्या, जब वो दिमाग में नहीं आता है तो तृष्णा और वितृष्णा क्या है। तो उसका लाक्षणिक अर्थ है सूक्ष्म अहंता ममता। देखे सुने के प्रति वैराग्य हो जाने पर सूक्ष्म अहंता ममता रहती। एक गृहस्थ ने मुझसे पूछा, जो समझदार है, बुजुर्ग है, संपन्न है, शिक्षित है, अब उनको अपने अंदर की कचोट लगती होगी, अहंकार क्यों होता? मैंने कहा जोड़ने से, अपने को धन से जोड़ते हो, विद्या से जोड़ते हो, उम्र से जोड़ते हो, अनुभव से जोड़ते हो, जानकारी से जोड़ते हो, प्राणी पदार्थ से जोड़ते हो, परिस्थिति से जोड़ते हो, उसमें निरर्थक अहंकार का बुखार है और सब झूठ है। अहंकार मिटे बिना वो विनम्रता आ नहीं सकती है, और वो साधना में प्रवेश नहीं हो सकता जिससे कि अंतिम स्थित मिले। अहंकार का पूर्ण विसर्जन आवश्यक है, लेकिन ये रोग है कि जिससे हम जुड़ते हैं उसमें हमारी अहंता ममता होने लगती है, उसी को बचाना साधना का काम है। इसीलिए गुरु बन जाने पर अहंकार बढ़ सकता है, पद पाने पर अहंकार बढ़ सकता है, प्रवक्ता होने पर अहंकार बढ़ सकता है, पैसा होने पर अहंकार बढ़ सकता है, ज्यादा शिक्षित हो जाने पर अहंकार बढ़ सकता है, अध्ययन ज्यादा कर लिए, जानकारी ज्यादा बढ़ गई, अहंकार बढ़ सकता है। ये सब रोग हैं, सब में सावधान रहना है। ये देखना सुनना ही मेरे में नहीं है। आंखें खुलती हैं, कपड़े देखते हैं, बिस्तर देखते हैं, मकान देखते हैं, जमीन देखते हैं,
और जमीन देखते हैं और उपयोग की चीजें देखते हैं, ये देखना ही मेरे में नहीं, आंख से दिखाई देता है ये सपना, आंख फूट जाए गायब ही, बिना फूटे ही ऐसे ही आंख बंद कर लेते हैं सब गायब, गाड़ी में भी सब गायब, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, चाम से छूते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां निष्फल हो जाएं, मन गाढ़ मूढ़ अवस्था में पहुंच जाए, सब गायब। दुनिया में जिसमें हमारा राग है, अवाहंकार की हद दर्जे की मूर्खता, उन सबसे हमारा संबंध किंचित भी अंततः नहीं। इस वास्तविकता को समझकर ठहरना चाहिए। जीवन मुक्ति दशा बड़ी उच्चतम दशा है। उच्चतम के लिए बड़ी विशेषण की जरूरत नहीं है, उच्चतम दशा है। जीवन मुक्ति सारे अहंकार ममकार के विसर्जन से संभव है। तो पर वैराग में सारे अहंकार ममकार का विसर्जन हो जाता है, तब यह दशा आती है। संस्कार शेष विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ऋषि कहते हैं कि विराम का जो प्रत्यय है, निरुद्ध चित्त असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंचने का प्रत्यय जो कारण है, वो अभ्यास पूर्व यानी इस स्थित के पूर्व जो अभ्यास है परवैराग का, वह है। परवैराग से विराम में पहुंचोगे, विराम का प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि का कारण पूर्व अभ्यास है जो पर वैराग्य, तब क्या होता है? संस्कार शेषव, संस्कार शेष, शेष संस्कार शेष अवस्था है वह। अन्य, ये अन्य दशा है, पहले संप्रज्ञात कहे थे इसलिए यहां अन्य विशेषण बताया, अन्य रखा, ये अन्य है। संप्रज्ञात से दूसरा है, क्या है? असंप्रज्ञात। और अन्य का सांकेतिक अर्थ असंप्रज्ञात है, सभी भाष्यकार मानते हैं। एक भाष्यकार ने लिखा है कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के बीच में अन्य कह करके ऋषि किसी दूसरी समाधि को संकेत करते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं दे पाते हैं, ऐसा अनुमान किया। और भाष्यकार ने भी कोई शब्द नहीं दिया, लेकिन कोई भाष्यकार अन्य इस मत से सहमत नहीं। पहले संप्रज्ञात है, इसमें अन्य कह दिया गया, वही असंप्रज्ञात है। और जब विराम हो गया तो और क्या होगा? अब और आगे क्या होगा? चित्त विराम ले लिया, चित्त शांत हो गया, और उसका प्रत्येक कारण है अभ्यास पूर्व है, असंप्रज्ञात समाधि के पूर्व जो पर वैराग से संप्रज्ञात लगेगी, ये वैज्ञानिक तथ्य है। दृष्ट श्रुत से वितृष्णा रूपी अपर वैराग से संप्रज्ञात समाधि लग सकती है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि तब लगेगी जब पर वैराग होगा, जब सूक्ष्म अहंकार भी विदीर्ण हो जाएगा, गल जाएगा, तब असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो ये संस्कार शेष अवस्था है, संस्कार शेष। संस्कार शेष कैसे कहा गया? संस्कार शेषा का तो सामान्य अर्थ है संस्कार शेष रह जाना, संस्कार थोड़ा रह जाना, लेकिन ये सामान्य अर्थ नहीं। संस्कार मात्र शेष, जैसे कि बीज को हम भून देते हैं, सेंक देते हैं तो आकार दिखता है, लेकिन उसमें अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती। तैसे असंप्रज्ञात समाधि हो जाने पर संस्कार शेष साधक है, मतलब संसार का ज्ञान है, संसार की जानकारी है, खाता पीता है, काम करता है, लेकिन उसमें कोई अंकुर नहीं है, कोई भवबंधन का कारण नहीं है, दुख और संताप उसको होने वाला नहीं है, क्लेश
आने वाला नहीं, संस्कार शेष है, संस्कार मात्र शेष है। ये पारिभाषिक है इनका, सामान्य अर्थ से हो जाएगा कि संस्कार अभी शेष है, बचा हुआ संस्कार अभी बाकी है वासना, ये अर्थ नहीं। संस्कार शेष है, संस्कार शेष मात्र है, चित्त है बस, चित्त जल गया। मेंथल का उदाहरण बढ़िया, गैस में हम मेंथल लगा बांटते हैं और जला देते हैं, तुरंत वो राख हो जाता है, लेकिन जब तक टूटता नहीं है तब तक वो प्रकाशता रहता है, उसको खोल करके अलग नहीं बांट सकते, टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। पर वैराग से विदग्ध चित्त सारे बंधन बीज से निवृत्त हो गया, तो जला हुआ मेंथल है, शरीर में काम कर रहा है, लेकिन वो खुल करके फिर बंद नहीं सकता, पुनर्जन्म का कारण वो नहीं बन सकता, दग्ध चित्त पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा। अनासक्त चित्त, अहंकार विहीन चित्त, सारी अहंता ममता का विसर्जन जिस चित्त से हो गया वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। ऐसा पुरुष क्लेश रहित रहता है, क्लेश उसको नहीं रहता। एक बौद्धों की संगीत हुई थी, संगीत का मतलब सभा, ये सभा इतिहास में नहीं आती, ये होएनसांग ने लिखा है कि कश्मीर में हुई थी। तो उसमें ऐसा आता है कि बहुत से भिक्षु आ गए, आवश्यकता से अधिक, तो कसनी की गई, छटा गया, फिर छटा गया, फिर छटा गया, फिर छटा गया, फिर एक आया तो बुजुर्ग भिक्षुओं ने कहा कि तुम क्लेश रहित नहीं हो, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं हो। ये बड़ी बात है, जो क्लेश करता हो, झिंकता हो, दुखी होता हो, उलझता हो, उद्वेगित होता हो, क्या ज्ञान हुआ है? प्रशांत मन, अमृत मधु, ये दशा आनी चाहिए। क्लेश विहीन चित्त, जीवन मुक्ति अवस्था, क्लेश न हो, ये तो जब दुख अवरोधक शक्ति विवेक जगेगी तभी होगा। दुनिया की वस्तुओं को थाम करके दुख से रहित होगे, जो हर समय पानी की धारा की तरह बह रहा है संसार, उसको रोक करके तब दुख रहित होगे। साधना द्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त होनी चाहिए जिसमें दुख का नाम न हो, क्लेश रहित मन हो जाए, ये जीवन मुक्ति अवस्था है। अध्यात्म की यही परम उपलब्धि है, जीवन मुक्ति, वो क्लेश रहित होता है। और जो पात्र साधक है उसकी बात समझेंगे, उसकी रहनी समझेंगे, वे भी उससे प्रेरणा पाएंगे और लाभ लेंगे, वे भी क्लेश विमुक्ति की तरफ बढ़ेंगे उस आधार में। तो दूसरे सूत्र में, पहले में तो संप्रज्ञा समाधि बताई गई, सवितरक सविचार सानंद सास्मिता के अनुगमन से संप्रज्ञात समाधि लगती है। दूसरे में बताया गया विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोवन्य, विराम निरुद्ध असंप्रज्ञात, इसका कारण प्रत्यय कारण है पूर्व अभ्यास, जो पर वैराग का पूर्व अभ्यास है, सब अहंता ममता विसर्जित हो गई है, इसलिए विराम हुआ है, ये संस्कार शेष स्थित है, चित्त है लेकिन दग्ध बीज है और कृतार्थ है।